अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी है, देख लेते हैं। ये 3x² = x + 4, इस x प्लस फोर को मैं पूरा इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में फेंक देता हूँ। ये हो जाएगा 3x² - x - 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, 3 4 जो 12, ठीक है, माइनस का होगा वैसे 12, पर मैं 12 लिख देता हूँ। तो क्या होंगे इसके फैक्टर्स, देखो 3 4 जा 4 1 जा, तो 4 और 3, और यहाँ पे देखो 4 -4 + 3 करूँगा तो -x आ रहा है, या -1x आ रहा है ना। बस हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। तो 3x² + 3x - 4x - 4 = 0, और अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में कॉमन है 3x, तो ये हो जाएगा x + 1। यहाँ पे माइनस है कॉमन, -4 कॉमन है, तो x - -+1 देखो = 0, ये दोनों आ गए। तो हो गया x + 1 = 0, और एक हो गया 3x - 4 = 0। इस पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -1, और इस पे x की वैल्यू आ जाने वाली है 4/3, है ना। ये पॉजिटिव का 4 आएगा, नीचे आएगा 4/3, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट वाला भी काफ़ी इजी है। तो ये हो जाएगा बच्चों 6x² - x = 35। ये 35 को मैं इधर फेंकूंगा तो ये हो जाएगा 6x² - x - 35 = 0, और ये आपका होमवर्क है। और इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है।